वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार्टर की एक वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की है। तो इस वीडियो को अभी लाइक भी कर दें क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो ये बात करते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए, ये है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम। तो ये देखिए, इसको गौर से देखिए, इसमें देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट यूज हो रहे हैं। 4 पॉइंट कौन से हैं, देखिए L1, L2, A फॉर आर्मेचर, F फॉर फील्ड। तो ये 4 पॉइंट इसमें यूज किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको 4 पॉइंट स्टार्टर कहा गया। और इसमें 3 पॉइंट यूज होते हैं, उसमें इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। तो स्टार्टर दो टाइप के, 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर। ये है 4 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम। इसमें देखिए, ये आपकी हैंडी, ये आपका रजिस्टर स्टड्स, और ये आपका नो वोल्ट कॉइल, ये स्प्रिंग, आर्मेचर, फील्ड और ये लाइन। तो ये सब कंपोनेंट्स लगे हैं और सभी कंपोनेंट्स अपना अपना स्पेशल वर्क है। जैसे नो वोल्ट कॉइल, इसका काम क्या है कि जब ये हैंडल आपका फुल ऑन पोजिशन पर हो तो ये मैग्नेटाइज हो जाए और उस हैंडल को रोके रहे ताकि हमारा जो मोटर है वो ऑन पोजीशन में रहे और ऑफ ना हो। और जैसे ही सप्लाई ऑफ हो तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाए और हैंडल को छोड़ दे ताकि वो हैंडल वापस से जीरो से वापस से ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पर चली जाए विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग के द्वारा। तो ये बताते हैं ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही हम हैंडल को क्लॉक वाइज दिशा में रोटेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो जैसे ही ये हैंडल ऑफ से वन पर आएगा तो हमारी फील्ड जो है वो मोटर की वो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही फील्ड एक्टिवेट होगी वैसे ही आपका नो वोल्ट कॉइल भी मैग्नेटाइज होने लगेगा। जैसे जैसे इनिशियली क्या होगा, स्टार्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी। तो जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे करते करते 5 और 6, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने लगेगी और करंट की वैल्यू धीरे धीरे मोटर में बढ़ने लगेगी, जिससे हमारी आर्मेचर में करंट की वैल्यू बढ़ेगी और हमारा मोटर जो है नॉर्मली वर्क करने लगेगा। जैसे हमारा हैंडल 6 पोजीशन पर आएगा तो नो वोल्ट कॉइल उसको मैग्नेटाइज करके अपने पास रोक लेगा, उसको चिपका लेगा अपने पास। तो इससे क्या होगा, हमारी मोटर ऑन पोजीशन में बनी रहेगी। अब अगर सप्लाई ऑफ हो जाती है या सप्लाई चली जाती है तो क्या होगा, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और इसको हैंडल को अपने छोड़ देगा और स्प्रिंग जो है वापस ऑन पोजीशन से इसको ऑफ पोजीशन पर ले आएगी। और बाकी स्टार्टर वैसे ही वर्क करता है जैसे नॉर्मल की स्टार्टर वर्क करता है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करिए। और इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और तब तक के देखते रहें इलेक्ट्रिकल विजन।